सो गाइस फाइनली आधासी पीछे 2022 विषय गणित कक्षा 10वीं का रियल पेपर आ चुका है गाइस। ये भी ये आपका रियल पेपर है आधासी परीक्षा 2021-2022 विषय गणित कक्षा 10वीं का ये रियल पेपर है। तो गाइस आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं इसका सॉल्व ये बताऊंगा, क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, फिर लेस्ट इसके लेस्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो गाइस इसको चैनल पर लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेस्ट वीडियो सॉल्यूशन भी चाहिए तो लेस्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और गाइस चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सही विकल्प के लिए, तो पहला है इसमें का दो 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 संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए इंटू बी बराबर 32 और एलसीएफ ए बी बराबर 8 हो तो एलसीएफ क्या होगा, बी क्या होगा। तो ए इंटू बी बराबर 32 है और एलसीएफ ए कॉमा बी बराबर 8, तो इसका एलसीएफ क्या होगा। तो गाइस चलिए पहले क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको इसका आंसर बताऊंगा। फिर आपका दूसरा है यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स टू प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक ए अल्फा और बीटा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का बाल होगा क्या होगा। तो इसको गाइस चलिए सिकल थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है यदि ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू इज नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू तो रेखीय समीकरण युग ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो का क्या होगा। और आपका इसका थर्ड क्वेश्चन है, आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इसका आपका फोर्थ क्वेश्चन है क्या है श्रेणी, फोर्थ क्वेश्चन श्रेणी तिल छो का कौन सा पद 27 होगा, इसका कौन सा पद 27 होगा। आपका पांचवा है ट्रायंगल एबीसी में ए बी 6√3 सेंटीमीटर है और ए सी 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर तब एंगल बी का बाल होगा, मतलब बी का बाल कितना होगा। और आपका छठवां है दो बिंदुओं ए एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू के बीच की दूरी है। तो पहला है ए वन 8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT-JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको आप देख लिया। चलिए सिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस सिकल क्वेश्चन है जिस स्थान की पूर्ति की जाए, मतलब जिस स्थान भरी है। तो पहला है प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा है घात दो के किसी बहुपद के अधिकतम शून्य हो सकते हैं। थर्ड है आपका द्विघात समीकरण के विविक्तकरण का सूत्र है डी बराबर। आपका फोर्थ है यदि किसी समांतर श्रेणी का एल व पद 3+2L हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। पांचवा है दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव डॉट डॉट होता है। और आपका छठवां है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यक्ष आधार यक्ष श्रीलंब। और सातवां है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को रेखा कहते हैं। और आपका थर्ड क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी आपको देख लेना है। और आपको फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है एक शब्द वाक्य उत्तर देना है, आपको एक शब्द है। तो पहला है दिए गए चित्र में बहुपद पी एक्स के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, पी एक्स के शून्य की संख्या बतलाइए। तो पी एक्स की शून्य की संख्या बतलाना है आपको। आपका दूसरा क्वेश्चन है रेखीय समीकरण वाई एम एक्स प्लस 3 में यदि एक्स बराबर -2 वाई बराबर 5 हो तो एम का क्या मान होगा। और आपका थर्ड है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकरण का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। और आपका चौथा है क्या सभी वर्ग संपूर्ण होते हैं
रूप होते हैं। पश्चा वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? आप छठा बिंदु 1.4 और 3.2 को मिलाने वाली रेखा कान के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। और आपका सप्तमा है पाइथागोरम प्रमेय का कथन लिखिए। तो आपका यह हो गया आपका पचवा क्वेश्चन आएगा सत्य और असत्य। तो सत्य का पहला है दो धनात पूर्वक एक और ए और बी दिन दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्वान है कि ए बराबर पी बी क्यू प्लस आर जीरो बड़ा आर बड़ा बी है। और आपका सेकेंड क्वेश्चन है दो चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं। और तीसरा यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तकार का मान शून्य है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। और आपका चौथा शैली दो माइनस दो एक समांतर शैली है। और आपका पाँचवा है आपका स्पर्श बिंदु में होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। और आपका छठवां है किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं। और आपका आ गया छठवां क्वेश्चन, आपका छठवां क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मात्र मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? और इसका अथवा में है संख्या पाँच को अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और आपका सातवां क्वेश्चन है संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणन खंड विधि में एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा में है ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या एन के लिए संख्या 4 शून्य पर समाज हो सकती है? और आपका एट क्वेश्चन है दीर्घात बहुपद x^2 - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। और आपका अथवा में है एक दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को के योग और गुणनफल -3 और 2 है। और आपका नौवां है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद है 81 - 81 है। और इसका अथवा में है श्रेणी 17, 13, 19, 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। और कैसे आपका दसवां क्वेश्चन है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद -1.25 सब अंतर डी बराबर -0.25 है। अथवा एपी 3, -1, -3 और डॉट डॉट के अगले 4 पद लिखिए। और आपका गृहमय प्रकृति डी ई पंडिकुलर बी सी है, इसी का मान ज्ञात कीजिए। तब इसी का मान ज्ञात करना है। और आपका इसका अथवा में किसी ट्रायंगल पी क्यू आर की त्रिभुज पी क्यू और पी आर पर कर्षण बिंदु ई और एफ स्थित है। यदि पी और ई 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तब बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर है, स्पष्ट कीजिए। और आपका बारहवां क्वेश्चन है यदि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कॉमा वाई बिंदुओं 7.1 और 3.5 में समदूरस्थ हो। इसका अथवा में है बिंदु -5.7 और -1.3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तब इसको ज्ञात करना है -5 और -1.3 के बीच ज्ञात करना है। और आपका तेरहवां क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4, -3 और 8.5 को जोड़ने वाले रेखा खंड को अतिरिक्त रूप 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। और आपका इसका अथवा में है यदि बिंदुआ ए 6-1, B 8-2, C-9-4 और D P-3 एक समांतर
एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षक इस इमी क्रम में हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। और आपका चौदहवा क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/5 तो टेन ए का मान प्रतिकलित कीजिए, अथवा में यदि टेन ए बराबर कोट बी तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90। पंद्रहवा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, -6 और -3, -5 है, और अथवा में इसका के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2, -2, 3, 4, k और c 6, -3 संरेखित है। और छठवां 16वां है गुणनखंड विधि से समीकरण √2x2+7x+5√2=0 को हल कीजिए, और अथवा में दीर्घात समीकरण 2x2x2² + kx+3=0 में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। और आपका 17वां है तीन अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजन है, अथवा में है n के किस मान के लिए दोनों समांतर शैली 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n में पद बराबर होंगे। और गाइस आपका 18वां में है यदि कोई रेखा एक अंडर ट्रायंगल ABC की भुजा AB और AC को एकरास D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/BAB = AE/AC होगा। और आपका अथवा में है आपका ABC एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB पेंडिकुलर AD DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि AO/BO = CO/DO है। और आपका 19वां क्वेश्चन है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अथवा में दो संकेतित वृत्तों की त्रिभुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। और गाइस आपका 19वां है, आपका चलिए 20वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका 20वां क्वेश्चन है रेखीय समीकरण युग 3x+3y = 2x-3y = 12 को प्रतिस्थापन विधि में हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि पर हल करना है। इसका अथवा में दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब 26 है उसका 3 गुना संख्या है तो उसको ज्ञात करना है। और आपका 21वां है रेखीय समीकरण युग 3x+5y-8=0, 9x+2y+7 है को विलोपन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल करना है। आपका इसका अथवा है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग एक अद्वितीय हल है, 4x+py+8=0, 2x+2y+2=0। और आपका 22वां क्वेश्चन आ गया 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खंड कीजिए और उसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए तथा अथवा में है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी क्या है आपका 3 सेंटीमीटर और AB है 5 सेंटीमीटर और ट्रायंगल ABC है 60 सेंटीमीटर हो, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके भुजाएं A ट्रायंगल ABC की संगत भुजाएं की 3/4 गुनी हो। और आपका 23वां है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और उसका 16 है और 7वां पद 5वें पद में 12 अधिक है, अथवा में है दो समांतर श्रेणियों का
साफ अंतर समान है। यदि इनके 100 बे पदों अंतर 100 है तो इनके 1000 बे पदों का अंतर क्या होगा। तो गाइस आपका यह क्वेश्चन हो गया, और गाइस आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बताइए, मैं इसका सॉल्यूशन भी लाऊंगा। कमेंट बताइए, नहीं तो मैं तो लाऊंगा ही, लेकिन कमेंट आप लोग बता दीजिए आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो। मैं अभी जा रहा हूँ, तुरंत सॉल्यूशन का भी वीडियो बनाऊंगा अभी तुरंत। और गाइस पहले इसको इस वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं तुरंत नया वीडियो तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर प्रेस करना है, क्योंकि मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।